सबका सपना होता है डॉक्टर बनना, पर डॉक्टर कैसे बने ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के सीक्वेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं और मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट अपलोड कर दिया। ये फोर्थ पार्ट है, तो अगर अभी आपने नहीं देखा होगा तो हर सीक्वेंस को आप देख लें ताकि आपको फ्लो बन सके। और मैंने ये भी कहा था कि वेडनेसडे और फ्राइडे को मैं वीडियो अपलोड करूँगा 6 to 7, तो हर दिन मतलब हर वीक में 2 वीडियो तो मोस्ट प्रोबली आएगी ही आएगी, तो आप इससे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है, तो बहुत सारे कह रहे हैं कि आपके लाइक कम आ रहे हैं, तो इस वीडियो को कम से कम 50,000 लाइक मिलने चाहिए, तो आपको लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी से। तो इम्यूनिटी का मतलब है रोगों से लड़ने की एबिलिटी। जैसे बहुत सारे इंसान होते हैं, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, तो हर इंडिविजुअल की अलग अलग इम्यूनिटी हो सकती है। इम्यूनिटी बहुत सारे फैक्टर पे बेस्ड होता है और उस पे डिपेंड करता है, जैसे कौन से एटमॉस्फेयर में वो पर्सन रह रहा है, कैसा उसका खान पान है, लाइक डाइट कैसा है, जेनेटिक कैसा है, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। बट ओवरऑल इम्यूनिटी का मतलब है कि दैट इज़ फाइटिंग एबिलिटी टुवॉर्ड द डिजीज़। मतलब कि हम जो भी पैथोजन्स हैं, पैथोजन से हम कैसे फाइट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है, द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। जो भी एबिलिटी होती है होस्ट की, मतलब इंडिविजुअल की, फाइटिंग विद द डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। घटाना तो कोई खैर नहीं चाहता है, तो बढ़ाना इन द सेंस कि आप अच्छे डाइट ले सकते हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, पोल्यूशन फ्री रह सकते हैं, और ये सब चीज़ करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सो इम्यूनिटी जो होती है 2 टाइप की होती है, वन इज़ कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी एंड अदर इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बर्थ के साथ साथ मिलती है, भगवान ने उसे दिया है। सो इनेट इम्यूनिटी जो होती है बर्थ के साथ साथ मिलती है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा छोटा सा है और पैदा हुआ है, तो अब वो एटमॉस्फेयर में आ चुका है, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पैथोजन हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, नेमेटोड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या होते हैं कि ये एंटर हो सकते हैं, जहाँ जहाँ ओपनिंग है वहाँ से एंटर हो सकते हैं या स्किन के थ्रू एंटर हो सकते हैं। तो भगवान ने उस समय हमें इम्यूनिटी दी, हमने हमें इम्यूनिटी उन्होंने दिया था। और दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो एक्टिव नहीं रहेगा। जैसे हम एक्वायर्ड में मैं बताऊंगा आपको पर्टिकुलर चीज़ों में एक्टिव होता है, बट जो इनेट इम्यूनिटी होता है वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक नहीं होता है। वो किसी कोई भी आ जाए, चाहे बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है या नेमेटोड आ रहा है, उन सबको किल करेगा। सो दे आर कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड दे आर प्रेजेंट सिंस एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ऐसा इम्यूनिटी जो बर्थ के साथ साथ प्रेजेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। दूसरी इम्यूनिटी में देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है, दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस और पैथोजन स्पेसिफिक होता है और हम बर्थ के बाद एक्वायर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बीसीजी का इंजेक्शन लगाया है, तो बीसीजी जो होता है वो टीबी से प्रिवेंट करेगा, तो मुझे टीबी होने से बचाएगा। तो इन केस इन फ्यूचर कोई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया अगर मेरे अंदर आता है, तो मैंने बीसीजी का इंजेक्शन अगर लगवाया है, तो हमें मतलब मुझे टीबी नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड दिस इज़ एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ। तो ऐसे इम्यूनिटी विच इज़ एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ, दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट सिंस एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट इज़ कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। तो इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि इनेट इम्यूनिटी क्या है और कितने टाइप का होता है। सो इनेट इम्यूनिटी बेसिकली 4 टाइप का होता है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, ये सब हम देखेंगे। तो फिजिकल बैरियर नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल मतलब कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा है, ये बर्थ के साथ साथ ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है, तो ये मान लीजिए बच्चा है, तो जो स्किन होता है वो फिजिकली बैरियर की तरह काम करता है। तो जो स्किन होगा वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। सो स्किन दैट इज़ प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
और जहाँ जहाँ ओपनिंग हुआ, जैसे ईयर के अंदर ओपनिंग है, नोज़ के अंदर ओपनिंग है, माउथ के अंदर ओपनिंग है, एनस के अंदर ओपनिंग है, सो द ओपनिंग हैविंग द म्यूकस ग्लैंड, सो द इनर साइड में म्यूकस ग्लैंड होते हैं एंड दे सिक्रीट द म्यूकस, और म्यूकस के जो होता है म्यूकस के अंदर एंटी पैथोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, एंटी पैथोजेनिक सब्सटेंस होते हैं मतलब कि जो भी पैथोजन को मारने वाले सब्सटेंस होते हैं, तो अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन इस ओपनिंग के थ्रू अंदर जाता है, इस ओपनिंग के थ्रू अंदर जाता है, तो ओपनिंग के अंदर म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और म्यूकस के अंदर एंटी पैथोजेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि उस पैथोजन को अंदर आने ही नहीं देंगे। तो अगर कोई नाक से कोई पैथोजन एंटर हो रहा है, तो नाक के अंदर जो पैथोजन हो, जो म्यूकस होगा, उसे अंदर नहीं आने देगा। सो दिस इज़ प्रेजेंट एट द रेस्पिरेटरी GIT ट्रैक और यूरोजेनाइटल ट्रैक के अंदर ये होते हैं। सो दे आर हेल्पफुल इन ट्रैपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग आवर बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल बैरियर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब कि सपोज़ ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक के अंदर SCL होते हैं। तो SCL अगर मान लीजिए हमने कोई फूड पार्टिकल्स खा लिया, और फूड के अंदर कुछ पैथोजन सब्सटेंस है, बैक्टीरिया, वायरस है, तो जो SCL जैसे वो फूड पार्टिकल्स अंदर हमारे स्टमक में आएगा, तो जो SCL होगा उस बैक्टीरिया को किल करने में किल करेगा। तो SCL इज़ हेल्पफुल फॉर द किल द बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट इन द फूड। और अगर सलाइवा है, सलाइवा माउथ के अंदर होता है, सलाइवा के अंदर भी एंटी पैथोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, वो भी किल करते हैं। अगर कोई पैथोजन आई के थ्रू जा रहा है, तो आई के अंदर टीयर होता है, और टीयर के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं जो कि एंटी पैथोजेनिक होते हैं, मतलब कि पैथोजन को अंदर आने ही नहीं देंगे। तो जो हमारे बॉडी के अंदर सारे चीज़ हो रहा है, वो भी क्या करते हैं कि पैथोजन को अंदर आने ही नहीं देते। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट बैरियर की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर मतलब सेल से रिलेटेड है। तो सर्टेन टाइप ऑफ WBC जो हमारे बॉडी में WBC होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट PMNLV एंड मोनोसाइट नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेज, ये सब WBC के पार्ट्स हैं और सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं हमारे बॉडी के अंदर। सो दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल और मैक्रोफेज। ये सब सारे सेल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि दे डिस्ट्रॉय और फेगोसाइट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब या तो वो मार देते हैं या उन्हें खा जाते हैं। तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो तो खा ही जाते हैं, नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे पैथोजन को, जो पैथोजन मतलब वही बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं उन्हें किल कर देते हैं। दूसरी तरफ में हम देखते हैं साइटोकाइन बैरियर। सो साइटोकाइन बैरियर का मतलब देखिए, इसे ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई वायरस है, यहाँ पे आपको वायरस वायरस नज़र आ रहा है, अगर ये वायरस किसी सेल को अटैक करता है, तो वो तो सेल तो मर जाएगा, बट मरते मरते क्या करेगा, वो सेल इंटरफेरॉन नाम का एक केमिकल सिक्रीट करेगा। जब वो डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, तो उसके अंदर इंटरफेरॉन नाम का एक केमिकल सिक्रीट होगा, एंड दिस इंटरफेरॉन इज कवर अप होल द अदर नेबरिंग सेल। जो नेबरिंग सेल्स होंगे उसके ऊपर इंटरफेरॉन आ जाएगा। तो अगर ये वायरस चाहेगा कि इन इन सेल पे अटैक कर पाए जो उसके साथ हैं, एडजेसेंट सेल के साथ हैं, तो बट अब इसके ऊपर तो इंटरफेरॉन है, तो इंटरफेरॉन का इफेक्ट के वजह से ये वायरस उन सेल के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, तो उससे वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। सो द वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेरॉन। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ये इंटरफेरॉन है, ये प्रोटीनियस सब्सटेंस है, एंड दे प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो ये वायरस जो होगा इस सेल के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर साइटोकाइन बैरियर। सो दिस इज इनेट इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर मान लीजिए कि मैंने BCG का इंजेक्शन लगाया है, तो मुझे TB से वो प्रिवेंट करेगा, वो स्पेसिफिक है, निमोनिया से प्रिवेंट नहीं करेगा। निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए कुछ अलग चाहिए, डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए कुछ अलग चाहिए, मम्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ अलग चाहिए। तो ये सिर्फ TB के लिए करेगा, यानी ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, एंड दे आर करेक्टराइज बाय द मेमोरी। मैं बाद में बताऊँगा, मेमोरी का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कुछ मैंने
वैक्सीन दिया आपके अंदर, तो वैक्सीन क्या होगा कि ये एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा। एंटीबॉडी जो होता है मेमोरी सेल के फॉर्म में इकट्ठा रहेगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट रहेगा। तो ये जो होता है वो मेमोरी सेल के अंदर होता है, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। सो आर बॉडी व्हेन इट इनकाउंटर विद द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आता है, सो जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो अगर पहली बार बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आएगा तो बॉडी हमारी पहचान ही नहीं पाएगी कि वो पैथोजन क्या है, किस टाइप का है। तो मान लीजिए ये पैथोजन है, ये अंदर आ रहा है, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट करेगी, और जो ये एंटीबॉडी होगा उसका फॉर्मेशन बहुत स्लो होगा। तब तक इतना ज़्यादा वो पैथोजन मल्टीप्लाई हो जाएगा या बैक्टीरिया वायरस इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा कि हमें डिजीज़ होना तय है। तो ये लो इंटेंसिटी इन नेचर होता है और स्लो रिस्पॉन्स होता है। बट एक बार वो पैथोजन से हमने इनकाउंटर हो गए तो क्या होगा, हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और ये एंटीबॉडी मेमोरी सेल के फॉर्म में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी। तो दूसरी बार अगर वही पैथोजन फिर से एंटर होता है तो पहले से तो एंटीबॉडी बना हुआ है, तो एंटीबॉडी जल्दी से किल करेगा, तो हमें डिजीज़ नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ फास्ट रिस्पॉन्स और हाई इंटेंसिटी में ये काम करता है। तो आई होप कि आपको ये प्राइमरी और सेकेंडरी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज ड्यू टू द स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, एंड दिस स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इज दैट इज अ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। मैं बाद में बताऊंगा आपको कि बी लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है और टी लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है। सो द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ द प्रोटीन इन द रिस्पॉन्स ऑफ द पैथोजन। सो द बी सेल जो होता है वो प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेगा और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि बताइए कि एंटीबॉडी कहाँ से बनता है, तो पहला तो ऑप्शन है प्लाज्मा सेल, अगर प्लाज्मा सेल ना हो तो बी सेल। तो एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहती है और उससे पूरा प्रोसेस होता है। तो अब हम एंटीबॉडी कैसा होता है, क्या होता है, हम अगली क्लास में इसे डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में हमारा पूरा इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगा। अगली क्लास में हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर इस साल और पिछले साल भी क्वेश्चन आया था जो लिम्फाइड ऑर्गन के बारे में, कि लिम्फाइड प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप बने रहें इस चैनल के साथ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो, मेरा एम ही है सबको फ़ायदा पहुँचाना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।